हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रियलिटी ऑफ माय लाइफ में। आज मैं आप सबके साथ एक पोटैटो की एक नया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हम सब ने पोटैटो को बहुत तरीके से खाए हैं, बट पोटैटो के जो स्किन होते हैं हम लोग उसे ज़्यादातर फेंक देते हैं, लेकिन उसकी स्किन में बहुत सारा न्यूट्रिशन बेनिफिट होता है। उसमें बहुत ज़्यादा परिमाण आयरन होता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B3 ये सब होता है। और इसके पोटैटो में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो चावल से भी ज़्यादा होता है, तो पोटैटो की स्किन में बहुत ज़्यादा गुण होता है जो हम लोग उसे फेंक देते हैं। तो आज मैं उसी पोटैटो की स्किन की एक नया रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पूरा देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। से छील के उतार देती हूँ मैं। ये मैंने पोटैटो के छिलके को अच्छे से धो के ले लिया है, तो अभी मैं उसको एक क्रिस्पी रेसिपी बना के आपको दिखाऊंगी। तो इसको मैं धो के ले लिया था, अभी मैं उसे इस तरह इसे मैं अच्छे से सुखा दूंगी। अभी मैं उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करूँगी, थोड़ा सा चावल का पाउडर, थोड़ा कुरकुरा बनाने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आप चाहो तो दे सकते हो वरना कॉर्नफ्लोर ही काफ़ी है। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक अभी नहीं डालूँगी, अभी उससे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो तावा से अच्छे से पोंछ लिया था, उसे पानी बिल्कुल निचोड़ लिया था उससे, तो अभी मैं उसे बस फ्राई करूँगी। ये देखिए ऑयल धुआँदार गर्म हो चुका है, अभी मैं इसे फ्राई कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। बिल्कुल क्रिस्पी वाला फ्राई करूँगी इसको। आप धीमी है और तो हो रहा है, मटन को धीमी आंच में कुछ देर इस तरह पकाना है, उसके बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। आप इसे एज ए इवनिंग स्नैक्स भी खा सकते हो। ये देखिए ये अच्छे से मैंने क्रिस्पी फ्राई कर लिया है, ये देखिए इस तरह क्रिस्पी बना है ये। अभी मैं उसमें थोड़ा सा इधर लिखी है मैंने नमक, चाट मसाला और सूखी लाल मिर्च ले लिया है, मैं उसमें अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी। इतना क्रिस्पी बना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये किस चीज़ से बना है, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए आलू के छिलके की क्रिस्पी चिप्स बन गया है, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा ये क्रिस्पी चिप्स। होप आप सबको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू आप सबको आज का वीडियो देखने के लिए।